यूएनएससी में कुछ बड़ा करने जा रहा है भारत। G20 में वीटो के लिए भारत सरकार ने बनाया बड़ा प्लान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, दुनिया जल्द देखने वाली है एक बड़ा बदलाव। दरअसल दोस्तों, यूएनएससी के मेंबरशिप के लिए भारत अपना आखिरी दांव चल चुका है। इसी महीने में G20 समिट होना है और हमारा भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। इस बार भारत यूएनएससी के मेंबरशिप और वीटो के लिए अपना आखिरी पत्ता फेंकने वाला है। दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स समिट में भारत ने चीन की बात मानते हुए ब्रिक्स संगठन का विस्तार होने दिया था। अगर भारत अपने ब्रिक्स वीटो का इस्तेमाल करता तो चीन कभी भी ब्रिक्स का विस्तार नहीं कर पाता, और ये बात चीन अच्छे से जानता है। लेकिन हमारे भारत ने ये काम फ्री में नहीं किया है, बल्कि इसके पीछे भारत को वीटो दिलाने की कहानी छुपी हुई है। आपको बता दें कि इस महीने 9 सितंबर और 10 सितंबर को G20 समिट होना है। तमाम तरह की और कूटनीतिक तैयारियां की जा चुकी हैं, और इन्हीं कूटनीतिक तैयारियों में यूएनएससी में भारत को परमानेंट मेंबरशिप दिलाने का प्लान छुपा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि भारत को वीटो देने के लिए चीन भी अपनी मंजूरी दे चुका है, और वो G20 समिट में भारत को वीटो देने के समर्थ में वोट करेगा। भारत ने G20 समिट के एंड वक्त पहले यूएनएससी के परमानेंट सीट की दावेदारी पेश कर दी है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी पांचों परमानेंट मेंबर को वार्निंग भी दे डाली है कि अगर भारत नहीं तो पूरे यूएन संगठन का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। यानी इन देशों के पास भारत को वीटो पावर देने का सिर्फ एक ही मौका है। अगर भारत को वीटो नहीं तो फिर भारत भी यूएनएससी का मेंबर नहीं रहेगा। दोस्तों, G20 समिट में इस बार दो बड़े मुद्दों पर ज़्यादा चर्चाएं की जाएंगी। पहला तो ये कि रूस यूक्रेन युद्ध को ख़त्म करने के लिए कोई रास्ता निकाला जाए। शायद आपको पता ना हो, लेकिन इस युद्ध को जो देश रोक सकता है, जो देश रूस और यूक्रेन को मना सकता है, वो देश कोई और नहीं बल्कि हमारा भारत ही है। इस मामले को लेकर सभी देशों का रुख भारत के ऊपर रहने वाला है, और इसके लिए हमारा भारत जो भी शर्तें रखेगा उसे दोनों देश रूस और यूक्रेन को मानना ही पड़ेगा। साथ ही इसी समिट में यूएन को लेकर भारत ने जबरदस्त तैयारी कर ली है ताकि 70 से 80 सालों में चली आ रही यूएन की व्यवस्था को बदला जा सके और यूएनएससी में नए देशों को शामिल किया जा सके। बताया जा रहा है कि ये दोनों ऐसे मामले हैं जिनके आसपास ही ये पूरी मीटिंग होने वाली है। इसके लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के दावेदारी के सभी पत्ते खोल दिए हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में सुधार करने के लिए भारत अपनी आवाज़ उठाता रहेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो अब खुद यूएन खतरे में आ जाएगा। अगर अब हमें बाकी के पांचों देशों द्वारा अनदेखा किया गया तो यूनाइटेड नेशन की विशेषता भी ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने इशारों में ये भी कह दिया कि अगर भारत को यूएनएससी में वीटो पावर नहीं दिया गया तो बाकी के जो P5 देश हैं उनका भी वीटो छीन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रेजेंट के यूएनएससी की आधारशिला 1940 के दशक में रखी गई थी और उस वक्त सिर्फ 50 देश ही इसके सदस्य थे, लेकिन आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता लगभग 200 देशों तक पहुंच गई है। इसलिए अब ऐसा समय आ गया है कि इसमें बदलाव करना ज़रूरी है। अगर इसे और ज़्यादा अनदेखा कर दिया गया तो संयुक्त राष्ट्र की विशेषता ही ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा एस जयशंकर ने कहा कि यूएन की सदस्यता को ये मानना होगा कि बदलाव का वक्त आ गया है, और भारत सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, 5वीं सबसे बड़ी इकनॉमी वाला देश है। ऐसे में अगर भारत को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं बनाया जाएगा तो अब सभी छोटे और बड़े देशों द्वारा यूनाइटेड नेशन पर सवाल खड़े किए जाएंगे। इसलिए भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए दबाव बनाना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि इतिहास भी भारत के पक्ष में है और यकीनन यूएनएससी में सुधार होगा ही होगा। एस जयशंकर जी ने यह भी कहा कि यूएनएससी में परमानेंट मेंबर अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, ऐसे में नई सीट को जोड़ने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि अफ्रीकन महाद्वीप से भी एक देश यूएन में नहीं है, लैटिन अमेरिका से भी कोई देश नहीं है, और दुनिया में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश यानी हमारा भारत भी यूएनएससी में भी परमानेंट नहीं हुआ है। ऐसे में एस जयशंकर ने यूएन से यह सवाल किया है कि आप हमें कितने समय तक बाहर रख सकते हैं। अगर आप हमें लंबे समय तक बाहर रखेंगे तो यूएन के सभी फैसलों पर सवाल खड़े होने लगेंगे और बाकी के देश इन फैसलों को मानना बंद कर देंगे। ब्रिक्स में पहली बार ये कहा गया कि यूएनएससी में विस्तार की ज़रूरत है।
साथ ही भारत हमेशा से यूएन के सभी शांति मिशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में यूएन के शांति मिशन में 2.5 लाख से ज़्यादा सैनिकों को तैनात किया है। आप हमें परमानेंट सीट तो देना चाहते हैं लेकिन वीटो पावर नहीं देना चाहते। आपको बता दें कि चीन को भी भारत के परमानेंट मेंबर बनने से कोई समस्या नहीं है, बल्कि उसे दिक्कत भारत को वीटो पावर देने से है। आपको तो पता ही होगा कि वीटो पावर के बिना परमानेंट सीट किसी काम की नहीं रह जाती। अभी फिलहाल सिर्फ 5 देशों के पास ही वीटो पावर है और इन्हीं 5 देशों की साजिशों के चलते भारत को अब तक वीटो पावर नहीं मिल पाया है। लेकिन अब भारत इस संस्था को लास्ट वार्निंग दे चुका है, अगर अब यूएनएससी में उसे परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिला और उसको वीटो पावर का अधिकार नहीं मिला तो वो यूएन संगठन को छोड़ देगा। और आपको तो ये पता ही होगा कि यूएन को सबसे ज़्यादा मदद करने वालों देशों में भारत भी शामिल है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यूनाइटेड नेशन भारत को वीटो पावर देगा? क्या भारत कभी यूनाइटेड नेशन पर ऐसा दबाव बना पाएगा जिसके दबाव में आकर यूनाइटेड नेशन भारत को वीटो पावर देने पर मजबूर हो जाएगा? भारत की कैसी रणनीति है? आप हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।